नौकरी की जद्दोजहद तो देखिए, 40 पदों के लिए इतनी भीड़ क्या दर्शाता है कि हमारे देश में बेरोजगारी का क्या आलम। नमस्कार, 4PM में आप सभी का स्वागत है। गुजरात मॉडल के खुलते पोल की तस्वीर आज आपको हम दिखाएंगे, आप भी कहेंगे कि क्या यही है गुजरात मॉडल। ये तस्वीर देखिए, देश का भविष्य धक्के खाता हुआ, देश का भविष्य अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपना जीवन यापन करने के लिए धक्के खा रहा है। देखना चाहिए उन नेताओं को जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। गुजरात मॉडल पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बड़े बड़े दावे करने वाले उन नेताओं को भी ये तस्वीर जरा आंख खोलकर सही से देखना चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि हमने गुजरात को, देश को आज क्या बना दिया, देश के युवाओं को आज हम किस ओर ले जा रहे हैं, ये तस्वीर देखकर उनको सोचना चाहिए। 2014 के बाद से देश में जब से मोदी सरकार बनी है तब से आज तक बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े बयान ही सुनने को मिलते हैं। देश में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो किसी भी सरकार में खत्म नहीं होते। महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण, इन मुद्दों का सामना तो हर सरकार को करना ही पड़ता है। बीजेपी सरकार को भी 2014 के बाद से इन मुद्दों का सामना आज तक करना ही पड़ रहा है। महंगाई आसमान छू रही है, बीजेपी नेताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बीजेपी मंत्री तो हंसकर जनता का मजाक उड़ा देते हैं। रोजगार जो आज सबसे बड़ा मुद्दा है, इसका असर हर चुनाव में देखने को भी मिलता है और इस लोकसभा चुनाव में भी युवाओं ने सबक सिखाया। नौकरियों के लिए देश में कितनी मारामारी है। पहली बात तो नौकरियां निकल नहीं रही हैं, जो निकल भी रही हैं वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही हैं। अब मोदी के गुजरात का हाल ही आप देख लीजिए, आप भी कहेंगे जब मोदी के गुजरात का ये हाल है तो बाकी गैर बीजेपी शासित राज्यों का क्या हाल होगा। ये वीडियो जरा आप ध्यान से देखिए, किस तरह से नौकरी के लिए गुजरात के युवा धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। इनको अपनी जान की भी परवाह नहीं है, बस इनको नौकरी चाहिए चंद पैसों की, वो भी एक प्राइवेट कंपनी के लिए। जी हाँ, प्राइवेट कंपनी के लिए। सरकारी तो छोड़ दीजिए, सरकारी नौकरियां जो निकल रही उनका हाल क्या ही हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं। यह है नौकरी पाने की चाहत, भले ही चंद पैसों की नौकरी क्यों ना हो, लेकिन बेरोजगारी से तो बेहतर ही है। इस वीडियो पर सभाध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। आपको बता दें कि गुजरात के भरूच का यह वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नौकरी के लिए युवाओं का हजूम उमड़ा है। इंटरव्यू के लिए घुसने की कोशिश में युवाओं ने धक्का मुक्की की, जिसके बाद होटल की रेलिंग तक टूट गई। जरा आप भी ध्यान से इस वीडियो को देखिए, किस तरह से टूटती रेलिंग से जो युवा है वो नीचे कूद रहे हैं। इस वीडियो को लेकर अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए गुजरात मॉडल को तंज कसा और कहा कि बीजेपी ने युवाओं को बेरोजगारी के महासागर में धकेल दिया। अखिलेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर वीडियो भी शेयर किया, जिसमें नौकरी के लिए युवाओं की इतनी भीड़ दिख रही है कि होटल के आगे लगी रेलिंग भी टेढ़ी हो जाती है और टूट जाती है वो, लेकिन ये रेलिंग ज़्यादा देर तक इस भार को झेल नहीं पाती और टूट जाती है। इसके साथ कुछ युवा भी नीचे गिर जाते हैं, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि ये है झूठे विकास के गुजरात मॉडल का सच। 10-20 हज़ार रुपये के लिए आई कुछ रिक्तियों के लिए हज़ारों का जमा उड़ा। भाजपा ने देश भर के युवाओं को अपनी नीतियों की वजह से बेरोजगारी के महासागर में धकेल दिया। यही वो युवा है जो भाजपा सरकार को हटाकर अपने भविष्य का रास्ता बनाएंगे, क्योंकि जब तक भाजपा है तब तक कोई उम्मीद नहीं है। तो अखिलेश के साथ विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस वीडियो को शेयर कर मोदी के गुजरात मॉडल पर तंज कसा है। दरअसल गुजरात के अंकलेश्वर के लॉर्ड्स प्लाजा होटल में एक निजी कंपनी ने जॉब इंटरव्यू रखा था। यह इंटरव्यू सिर्फ 10 पदों के लिए था, लेकिन इसके लिए हजारों अभ्यर्थी इंटरव्यू देने पहुंच गए। इसके बाद होटल में घुसने के लिए युवाओं में जबरदस्त धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसके बाद होटल के दरवाजे के सामने लगी रेलिंग तक टूटकर गिर गई। इस वीडियो ने सबको हैरान करके रख दिया। एक नौकरी के लिए इतना संघर्ष कि आप अपनी जान की परवाह तक नहीं करते। नौकरी की जद्दोजहद तो देखिए, 40 पदों के लिए इतनी भीड़ यह दर्शाता है कि हमारे देश में बेरोजगारी का क्या आलम है। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जाटफ्स ऑफ इंडिया नाम के यूजर लिखते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, गुजरात में इतनी बेरोजगारी है। मैंने तो टीवी न्यूज में देखा, गुजरात में हर आदमी मलाई खा रहा है। वहां के युवाओं के पास 5-5 नौकरी है। क्या टीवी न्यूज वाले भी फेक न्यूज फैलाते हैं? क्या गुजरात मॉडल के नाम पर
मुझ जैसे भक्त को ठगा गया। गुजरात मॉडल सबसे बड़ा छलावा है, गुजरात को खोखला कर दिया है भाजपा ने। संविदा और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ने युवाओं को बर्बाद कर दिया। बेरोजगारी का आलम न पूछो साहब, दुग्गल साहब तो छोड़कर सबके घर परिवार बेबी बच्चे है, उसका क्या है वो तो झोला उठाकर भी चल दे। मनीष नाम का यूजर लिखते हैं कि गुजरात के भरूच में युवाओं को पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती लाखों के पैकेज की नौकरी दी जा रही थी। युवा किसी तरह नौकरी से बचने के लिए रेलिंग तोड़कर भागने में कामयाब हुए। वहीं पृथ्वी नाम की यूजर लिखते हैं कि एक आम नौकरी के लिए कतारों में धक्के खाता भारत का भविष्य, ये आज नरेंद्र मोदी जी के अमृतकाल की हकीकत है। नरेंद्र मोदी जी का गुजरात मॉडल, तो ये है गुजरात मॉडल की सच्चाई जो आपके सामने है। जी हाँ, गुजरात मॉडल की सच्चाई तब भी देखने को मिलती है जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात का दौरा करते हैं या फिर कोई विदेशी मेहमान गुजरात का दौरा करता है। तब किस तरीके से गुजरात के असली गुजरात को छुपाया जाता है वो आप देख पाते हैं। उस वक्त भी गुजरात मॉडल की हकीकत खुलकर आ जाती है। तमाम विदेशी मेहमान जब गुजरात के दौरा पर आते हैं तो किस तरीके से असली गुजरात को छुपाया जाता है, कहीं टी शर्ट लगा कर कहीं जो है दीवार खड़ी कर दी जाती है कि जो पीछे का असली गुजरात मॉडल है वो ना दिखे। और अब ये तस्वीर सामने आई है, ये है असली गुजरात मॉडल। अब आप देखिए किस तरीके से देश में बेरोजगारी का ये आलम है। युवा चंद पैसों की नौकरी के लिए किस तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरीके से धक्के खा रहे हैं। ये है देश का भविष्य जो आज धक्के खाता हुआ मोदी जी के गुजरात में। यह हकीकत है इस देश के युवाओं की और इस देश की बीजेपी सरकार की। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए 4PM।